जय माता दी बहनों, संगीत सागर में स्वागत है। बहनों आइए, आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। जय माता दी। बहनों बहुत पहले की बात है, एक नगर में राजा रहते थे। राजा अपने नगर वासियों का बहुत ही ध्यान रखते थे। राजा पूजा पाठ में बहुत ही मन लगाते थे। जो साल में एकादशी आती थी, उस एकादशी को पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते थे कि एकादशी वाले दिन सब लोग फलाहारी व्रत करेंगे, कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। राजा की बात पूरे नगरवासी मानते थे। इस तरह से राजा के यहाँ एक दिन क्या होता है बहनों, दूसरे गांव से कोई एक लड़का पहुंचता उनके दरबार में और राजा साहब से कहता है कि राजा साहब मुझे नौकरी दे दो। राजा साहब ने कहा ठीक है, नौकरी तो दे दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोला राजा साहब क्या नियम है आपके यहाँ? कहा हमारे यहाँ जो एकादशी, साल में जितनी एकादशी आती हैं, जिठूनी एकादशी जो आती है और साधारण मंथली एकादशी जो आती है, उसमें सब लोग व्रत करते हैं, उस दिन कोई खाना नहीं खाता है। अगर इस चीज से तुम राजी हो तो मैं नौकरी पे रख लूंगा। उस टाइम उस लड़के ने हाँ ही भर ली, लेकिन वो लड़का उसकी भूख नहीं सहती थी। बहनो क्या होता है, 15 दिन के बाद एकादशी का जब त्योहार आता है, व्रत आता है, तो देखता है पूरे गांव में कोई जो है भोजन पका ही नहीं रहा, उसके उसकी भूख सधे ना। उसने राजा साहब से कहा, राजा साहब हमारी भूख तो नहीं सध रही है, राजा साहब हमें कुछ अन्न दे दो तो हम अपना पेट पालन करें, कुछ बनाए खाएं। राजा साहब ने शर्त याद दिलाई कि तुमसे हमने कहा था ना कि जो है एकादशी वाले दिन भोजन नहीं मिलेगा, फलाहारी करना पड़ेगा। लड़का बोला हाँ राजा साहब हमें याद है, लेकिन हम क्या करें, हमारे भूख लगी है। राजा साहब ने उसको आटा, दाल, चावल, सब्जी जो भी था वो सब दे करके कहते ठीक है तुम जाओ नदी के किनारे बना खा लेना, लेकिन यहाँ गांव में मत बनाना, हमारे नगर में मत बना। राजा की आज्ञा पा करके उसको जो है अन्न धन मिला और जा करके वो नदी के किनारे उसने पकाया खाना और पका करके भगवान को बुलाता है। हे भगवान, हमने आपका खाना हम तैयार कर लिया है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप आइए हमारे साथ भोजन करिए आके। चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी फरियाद सुनते हैं और साथ में उसके भोजन करते हैं। फिर उसके बाद बहनों क्या होता है, दोनों भगवान और भक्त दोनों लोग भोजन करते हैं और जब वो खाना खत्म हो जाता है तो नदी के किनारे से अपने उसमें आता है, राजा के महल में आकर के अपना कार्य में व्यस्त हो जाता है, काम करने लगता है। 15 दिन के बाद फिर एकादशी का त्योहार आता है। तो बहनों क्या होता है, फिर राजा साहब से उसने मांगा। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, दे दिया उसको। तो कहा नहीं राजा साहब, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ भगवान भी है, हम भूखे रह गए थे, पिछली बार आपने थोड़ा दिया था हमको तो हम भूखे रह गए थे, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हमें दुगना दे दो अन्न धन। राजा साहब ने सोचा हम कैसे मान ले कि तुम्हारे साथ भगवान खाते, भगवान कहीं तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। नहीं राजा साहब, भगवान हमारे साथ भोजन करे थे और हमें दुगना चाहिए। अगर तुमको न विश्वास हो राजा साहब तो आप छुप करके देख लो, भगवान हमारे साथ भोजन करते हैं। राजा साहब ने दुगना धन दिया, अनाज आटा दाल चावल सब्जी सब दिया और उसके बाद वो राजा छुप करके पेड़ के आड़ से देखने लगा और वो अपना वहाँ नदी के किनारे बढ़िया आराम से भोजन पकाया। और भोजन जब पक गया तो कहते भगवान भोजन तैयार है, आइए आप भोजन करिए आके। लेकिन वो छुप के देख रहा था, भगवान नहीं प्रकट हुए, भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो वो निराश हो गया, अरे आज भगवान नहीं आए। तो कहा भगवान अगर आप नहीं आते हैं तो हम इसी नदी में कूद करके हम जान दे देंगे।
नहीं तो प्रभु हमारे साथ भोजन करो आके। भगवान फिर भी नहीं आए, भोजन रखा कर रखा, उसने भोजन नहीं किया। फिर उसने दृढ़ संकल्प लिया कि हम जा रहे हैं नदी में, डूब करके हम जान दे देंगे, अगर हमारे भगवान नहीं आए तो ठीक है, हम आत्महत्या करे ले रहे हैं। भगवान जब देखें कि दृढ़ संकल्प ले चुका कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और उसके साथ बढ़िया भोजन किया। और अब स्वर्ग लोग वैकुंठ अपने यहाँ बैठार करके ले गए उनको, वैकुंठ मिल गया उसको। तब राजा को समझ में आया कि पूजा पाठ ये सब करने से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है मन साफ रखो तो भगवान अपने आप दर्शन देते हैं, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और उन्होंने भी बहनों पूजा पाठ किया, बिठूनी एकादशी को उन्होंने व्रत किया, उनका पूजा किया, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। बहनों इस तरह की हमारी एक कहानी है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जय माता दी।